आखिर क्यों स्मार्टफोन के स्पीकर्स के नीचे ये छोटा सा बम्प होता है, और क्यों उस बंदे ने कोलगेट टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी से 70 लाख रुपए ले लिए, और आखिर कुवैत में 1984 से आज तक सैंडविच 17 रुपए में क्यों मिलता है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 5, हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोगों को एक नया आईफोन 13 खरीदने में 3 महीने तक काम करना होगा, जबकि स्विट्जरलैंड में 4 दिन, अमेरिका में 6 दिन और सिंगापुर में 7 दिन काम करके एक नया आईफोन 13 खरीदा जा सकता है। फैक्ट नंबर 4, साउथ कोरिया की महिलाएं दिन भर में अपने आप को 30 बार से ज्यादा थप्पड़ मारती हैं। दरअसल उनका मानना है कि थप्पड़ मारने से उनके चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर और ज्यादा निखार आएगी। फैक्ट नंबर 3, कुवैत के एक राजा शेख जाबेर ने 1984 में कानून बनाया था कि जब तक दुनिया के नक्शे में कुवैत रहेगा, तब तक की एक सैंडविच की कीमत कुवैत में केवल 100 फाइल्स यानी इंडियन करेंसी में 17 रुपए तक रहेगी, और चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए इसका रेट नहीं बढ़ेगा। दरअसल उनका मकसद यह था कि उनके देश में कोई भी गरीब भूखा ना सोए, इसी वजह से आज तक कुवैत में केवल 17 रुपए का ही सैंडविच मिलता है। फैक्ट नंबर 2, एक बंदा कोलगेट कंपनी में जाता है और वहाँ के सीईओ से बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से आपकी सेल्स 40% तक ज्यादा बढ़ जाएंगी, मगर मैं उस आइडिया का 70 लाख रुपए लूंगा। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, फिर वो अपना आइडिया बताता है, आप अपने टूथपेस्ट के होल को बढ़ाइए जिससे लोग उसको ज्यादा यूज करेंगे और आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। इस बंदे ने छोटे से आइडिया के लिए 70 लाख रुपए ले लिए, गजब है यार। फैक्ट नंबर 1, आखिर स्मार्टफोन के स्पीकर्स के नीचे छोटा सा बम्प क्यों होता है? दरअसल छोटे इसके पीछे साइंस है। ज्यादातर ये बम्प उन्हीं स्मार्टफोन में होता है जिनका स्पीकर बैक साइड में होता है। दरअसल जब हम कोई सॉन्ग को प्ले करते हैं और फोन को सरफेस जगह पर रख देते हैं जो कि बिल्कुल प्लेन होता है, उसी टाइम ये स्पीकर के नीचे बना बम्प काफी हेल्प करता है साउंड को बाहर आने में। इस बम्प की मदद से फोन के स्पीकर से साउंड अच्छी तरह से बाहर की ओर निकल पाती है, क्योंकि यह बम्प फोन को हल्का सा ऊपर की ओर उठाए रखता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।